बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मैं आसिफ रशीद आपके साथ। बहुत सारे लोग डिग्रीज़ करके जम्मू कश्मीर से बाहर आते हैं और उसके बाद वापस वहाँ चले जाते हैं, नौकरियाँ ढूंढते हैं, फिर कहते हैं हमारी सर्टिफिकेट्स ऐसी हैं वैसी हैं। कभी आपने ये सोचा कि जो आपके इदारे हैं जहाँ से आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अपने डिग्रीज़ हासिल करने जाते हैं, डिग्रीज़ लेते हैं, वो कौन से लोग हैं? क्या नैक एक्रेडिशन उनको मिली है? रजिस्टर्ड हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साथ? ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं जब आप शुरुआती दौर में एडमिट होते हैं, एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तब आपको इन चीज़ों पर गौर व खोज करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता फिर आपके साथ क्या होगा, ये वो डिटेल्स हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और कौन से ऐसे इदारे हैं जो फ़र्ज़ी हैं, कई जाली डिग्रियाँ हैं, आप लोगों के पास भी होंगी जो हमें देख रहे हैं, वो अपने इदारों को, अपने इंस्टीट्यूशंस को ज़रा देख लें। दरअसल हुआ क्या है कि UGC की तरफ से 20 यूनिवर्सिटियों को फ़र्ज़ी या जाली करार दिया गया है, फेक करार दिया गया है। और इनमें से अब क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 हैं और दिल्ली के अंदर 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी सिर्फ 12 दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर बनती है जो इदारे फेक हैं, फ़र्ज़ी हैं, जहां से आप डिग्री करके चले जाएंगे लेकिन कहीं एक्सेप्टेबल वो नहीं होगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से 20 यूनिवर्सिटियाँ जिनको फेक करार दिया गया, जो बिल्कुल भी किसी तरीके से डिग्री कॉन्फर नहीं कर सकती, दे तो देती हैं लेकिन कार्रवाई कैसे आगे चलेगी, कैसे काम बढ़ेगा, ज़िम्मेदारी एक बड़ी चीज़ होती है, वो नहीं किया जा रहा। UGC के नोटिस में आया कि कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो आज के वक्त में बच्चों को या स्टूडेंट्स को डिग्रियां दे रहे हैं, UGC एक्ट की गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी की जा रही है, कवायद व ज़वाबित की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिग्रियां तकसीम करने का सिलसिला जारी है, एक बात। दूसरा, UGC के सेक्रेटरी हैं मनीष जोशी, उनकी तरफ से तस्दीक की गई कि दिल्ली के अंदर 8 यूनिवर्सिटियाँ जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 यूनिवर्सिटियाँ जो फेक हैं। अब जो दिल्ली के अंदर, सुन लीजिएगा, कई लोगों ने यहाँ से डिग्रीज़ की होंगी, गए होंगे जम्मू कश्मीर वापस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज, कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, वोकेशनल यूनिवर्सिटी ADR सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय यानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। UGC के मुताबिक ये तमाम वो इदारे हैं, तमाम वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ़र्ज़ी हैं, जाली हैं। आप डिग्री करेंगे उसके कोई मानी नहीं होंगे, वो एक रद्दी कागज़ की तरह होगी। ये 8 डिग्रियाँ कहाँ पड़ती हैं? दिल्ली के अंदर। अब चले जाइए उत्तर प्रदेश, गांधी हिंदी विद्यापीठ, AK यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, बहुत से लोग यहाँ से मेडिकल डिग्रीज़ करके जाते हैं, ये फेक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी कहलाती है। और भारतीय शिक्षा परिषद, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पुडुचेरी के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, मगरबी बंगाल के अंदर और केरला के अंदर भी फेक यूनिवर्सिटियां हैं। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर 12 और बाकी एरियाज़ के अंदर जो 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। 20 यूनिवर्सिटीज़ फेक हैं, ये UGC के ना ही कहीं गाइडलाइंस के मुताबिक काम करती हैं, ना UGC एक्ट के तहत आती हैं, गैरकानूनी इदारे हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया मुंतजमीन का है, इंतज़ामिया का है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अगर यहाँ से डिग्रीज़ करके जाते हैं फिर इसके बाद जवाब कौन देगा, इसका कोई अता पता नहीं, जवाब किससे लेंगे। अब मैं इसकी ताज़ा मिसाल कहाँ से आपको दूंगा, जम्मू कश्मीर के अंदर हाल ही में अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि सरकार की नोटिस में कुछ चीज़ें आई, कई लोगों ने फेक डिग्रियाँ की हैं। कई लोगों की तरफ से क्या किया गया है कि फार्मेसी की डिग्रियाँ की गई है लेकिन जब रजिस्ट्रेशन की बात आई तो 85 जिनमें 70 कश्मीर से, 15 जम्मू प्रोविंस से फेक डिग्रीज़ करके वो गए, वहाँ नौकरी हासिल करना चाह रहे थे, रजिस्ट्रेशन हुई, उसके बाद कागजात को देखने की कोशिश हुई तो पता चला कि 85 के आसपास जो डिग्रियाँ हैं जो फार्मेसी की हैं, जो मेडिकल फील्ड में है, बी फार्मा या डी फार्मा करके गए थे, उन तमाम लोगों के फ़र्ज़ी पाए गए। यही होता है। आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप एडमिशन लें, पढ़े लिखे हैं आप, ज़िम्मेदारान हैं, देख कर, सोच समझ कर ऑफिशियल वेबसाइट पर UGC के पर जाइए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आप www.ugc.in पर जाएंगे, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, कौन सी यूनिवर्सिटी UGC के तहत आती है, कौन सी नहीं, कौन सी UGC एक्ट के मुताबिक आती है, कौन सी नहीं, जो यूनिवर्सिटियाँ नहीं है वो फेक है। अगर आप कहीं पर कोई इदारा आपको कहता है कि भाई साहब 2 लाख दीजिए आप 2 डिग्रियाँ हासिल कर लीजिए, लेंगे लेकिन वो महज एक कागज़ होगा, उसकी इतनी ही हैसियत होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप जब कहीं नौकरी के लिए जाएंगे तो आपकी वो जो कागज़ होगा वो यूँ करके फेंक दिया जाएगा, रद्दी समझकर। बुनियादी वजह क्या है कि सोच समझकर जो लोग आज के वक्त में एडमिशन्स नहीं लेते, जिन पर जिम्मेदारियां हैं लेकिन काम उसके बावजूद भी ऐसा करते हैं कि डिग्री जल्दबाजी में कर लेते हैं, और कई लोग क्लासेस नहीं लगाते हैं, पैसा दिया घर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू की, काम ख़त्म, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। UGC ने अवेयर कर दिया है, 8 डिग्रीज़ ये जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर से आते हैं, हम बाहर से जाकर पढ़ेंगे,
और वहाँ जी पैसा भी कम है, जल्द हो जाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है, रद्दी कागज़ आपको मिलेगा, आपके नाम से वो डिग्री होगी लेकिन कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो बचिएगा, एहतियात बरतिएगा, कोई जानबूझकर अपनी जान, पैसा, मालो दौलत, अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपना मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगाता। बहुत बहुत शुक्रिया।